नमस्कार दोस्तों, वावा टेक्निकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम जो है दोस्तों एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं। इन्वर्टर जो हम बनाएंगे वो इन्वर्टर बिल्कुल जेन्युइन होगा, जैसा कि हम परचेज करते हैं मार्केट से, जो कि काफ़ी आज के टाइम पे इन्वर्टर की कॉस्ट हो चुकी है, तकरीबन 2500 या 3000 के स्टार्टिंग है, और 4, 5, 6 आप जितने मर्जी रेंज के इन्वर्टर ले सकते हो। तो आप खुद से आपका खुद से खुद आप घर पे इन्वर्टर बना सकते हो, और इसके लिए आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी की सारी मैं आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, किस तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं, सर्किट डायग्राम, सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जैसे कि दोस्तों ये आपको मार्केट से परचेज कर लेनी है, ये इन्वर्टर की PCB है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अभी मैं आपको सारा सारा डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ बताऊँगा। तो ये आपको ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड आपको इन्वर्टर का, ये कम तकरीबन आपके 3 फैन और 3 लाइट और 1 TV, कम से कम आपकी जो बैटरी है अगर वो 135 AH की है तो तकरीबन 4 घंटे के आसपास या 3.5 घंटे के आसपास ये बैकअप दे देगी। जैसे कि अगर एक पंखा आप चलाओगे तो तकरीबन 12 से 15 घंटे भी एक पंखा चल जाएगा। तो ये हम जो इन्वर्टर बनाना जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जेन्युइन है, ये कोई फेक नहीं है कि सिर्फ व्यू पाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप इस पर फुल लोड डाल के आपके 3 फैन 1 TV अगर 3.5-4 घंटे से कम चले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना बिना कहे हुए। दोस्तों आपको इसमें जो यूज़ करने हैं सारे के सारे पार्ट्स वो मैं उनकी सारी की डिटेल आपको अच्छे से आपको दे दूँगा। और आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है इस टाइप का, ये वाला इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है, और ये आपको 750 VA या 850 VA का ट्रांसफार्मर ले लेना है, हैवी ड्यूटी। अगर आप चाहो तो ये ओल्ड जो पत्ती आती है उनका भी आप बनवा सकते हो मार्केट से, वो भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी हैवी ड्यूटी इन्वर्टर वाला है और ये 750 VA का ट्रांसफार्मर है। तो ये सारे पार्ट्स जो जो आपको लेने हैं, और ये जो इन्वर्टर बन रहा है ये बिल्कुल जेन्युइन इन्वर्टर बन रहा है, जैसा कि आप मार्केट से परचेज करते हो। लेकिन आपका यहाँ फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ पे आपको बहुत कम कॉस्ट में आपको खुद आप खुद से एक अपना इन्वर्टर बना लोगे, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बहुत कम आने वाली है। और सारी की सारी डिटेल कनेक्शन वगैरह मैं सारी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, और रेड बेल नोटिफिकेशन घंटी को जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट मेरे चैनल के मिलते रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हंसराज और शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों चलिए, तो दोस्तों यहां पे मैंने सारे के सारे जो पार्ट्स है जो आपको इन्वर्टर बनाना है, जो आप 750 या 850 VA का इन्वर्टर बनाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिएंगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आपको देखो मैंने बता दिया है कि आपको जो है 850 VA का या 750 VA का या 700 VA का अगर आपको ट्रांसफार्मर मिल जाता है इन्वर्टर वाला, आप बोलोगे 850 VA मार्केट में, वो इन्वर्टर का आपको दे देंगे। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप बोल दो कि मुझे 850 VA का चाहिए या 750 VA का, 750 VA का इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर चाहिए। अरे और यहाँ पे फिर आपको जो है ये बैटरी क्लिप चाहिए, जो कि आपको बैटरी में लगानी पड़ेगी। तो एक रेड कलर की इस तरीके की आपको 2 क्लिप ले लेनी है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो है 8 mm का या 10 mm का वायर यूज़ करना है, पर मेरे पास में भी 6 mm का ही वायर है, तो मैं अभी 6 mm का वायर यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे हिसाब से 10 mm का वायर यूज़ करना, जो कि पॉजिटिव बैटरी और ये नेगेटिव, ये बैटरी चार्जिंग के लिए रहेंगे दोनों को, दोनों वायर, ठीक है फ्रेंड्स। बैटरी के लिए हो गई, उसके बाद में आपको लेना है, यहाँ पे आपको लेना है एक रेजिस्टेंस लेना है, इस रेजिस्टेंस का नंबर है 250 ओम, ये 250 ओम का लेना है 10 वाट का, यहाँ पे 2 कट रखा है, तो ये 250 ओम और 10 वाट का आपको ये एक रेजिस्टेंस लेना है इस तरीके का। और एक आपको कैपेसिटर लेना है, यहाँ पे देखिए 275 V.AC 0.47 UF का लेना है आपको। तो इस तरीके से आपको 2 कंपोनेंट ये लेने हैं इन्वर्टर बनाने के लिए, 275 V है ना, .AC X2 0.75 UF, एक ये आपको कैपेसिटर लेना है और एक आपको ये रेजिस्टेंस लेना है 250 ओम 10 वाट का, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आपको ये कार्ड लेना है, मार्केट से आपको परचेज कर लेना, आप कहीं से भी मार्केट से इसको परचेज कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपको ये मिल जाएगा, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये आपको मार्केट से ये मेरे हिसाब से जो है 950 या हो सकता हो, अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से क्या है कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है पार्ट्स की, तो आपको हो सकता हो मतलब 1000-1200 के अंडर या ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपको परचेज ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इसी में ही मोस्फेट लगे होते हैं, है ना। यहाँ पे मैं आपको कोई फर्जी इन्वर्टर बना के नहीं दिखा रहा हूँ, व्यू पाने के लिए जो जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ऐसे कुछ हीट सिंक लगा दिए बस और बल्ब जला के दिखा दिए, उससे कुछ आपका बेनिफिट नहीं होने वाला है। ये इस तरीके की फालतू वीडियो बनाने से
कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। कुछ आप यूज़ करो और आपको वास्तव में ही अच्छा महसूस हो कि हमने जो चीज़ यहाँ से सीखी है वो हम यूज़ भी कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इन्वर्टर आप बनाओगे, ये सेम टू सेम जो जेनुअन इन्वर्टर होता है जो आप परचेज़ करते हो 4-5 हज़ार रुपये का, एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और फुल आप 3 पंखे का लोड डाल के, मैं इसको आपको कम से कम तकरीबन 3 बल्ब का लोड डाल के भी आपको मैं इसको टेस्ट करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारी की सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है, अब इसको असेंबल करना शुरू करते हैं और बनाते हैं एक इन्वर्टर। और इसके लिए आपको एक डिस्प्ले बनानी पड़ेगी, तो ये डिस्प्ले भी मैंने खुद से ही बनाई है। तो ये डिस्प्ले का जो सर्किट डायग्राम है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अंदर आपको जो है 330 ओम के रेजिस्टेंस यूज़ कर लेने हैं, है ना। ये सारे के सारे 330 ओम के हैं। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये जो सर्किट है ये बनाना है ना, इस तरीके से, क्योंकि इन्वर्टर में यही बताएगा हमें कि चार्जिंग, मेन्स ऑन्स, ओवरलोड, और जो है हमारी जो सॉरी जो हमारा यूपीएस ऑन होगा, इन्वर्टर ऑन होगा, उसका भी ये इंडिकेशन देगा। तो चलिए अब असेंबल करना शुरू करते हैं सारे पार्ट्स को, और इन्वर्टर एक बना के हम रेडी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो है इसको असेंबल शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर को। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के यहाँ पे देखिए आप, इन दोनों में हम जो है हम थिम्बल कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम हीट सिंक के वायर लगाएंगे, यानी कि जो पीसीबी है इन्वर्टर की, वहाँ पे हम हीट सिंक के हमें लगाने हैं। तो हीट सिंक के लिए हम यहाँ पे थिम्बल तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्डरिंग करके मैं जो है यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है मुझे। तो ट्रांसफार्मर का देख रहे हो आप, अभी मैं इस पर पहले अच्छे से सोल्डरिंग करके, और आपको ये कम से कम 2.5 mm का वायर लेना है, और आपको ज़्यादा लंबा वायर नहीं लेना क्योंकि आपको घर के लिए यूज़ के लिए बनाना है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा लंबा वायर यूज़ कर रहा हूँ। पर आपको ट्रांसफार्मर से मुश्किल आपको ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करना है, मुश्किल से मुश्किल आपको 15 सेंटीमीटर ट्रांसफार्मर से जो लंबाई हो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर बस। तो अभी मैं इस पर सोल्डरिंग करने के बाद में मैं इसको जो है ट्रांसफार्मर पे अच्छे से सोल्डरिंग कर लेनी है आपको, क्योंकि सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होगी तो ये गर्म होके आपका जो हीट सिंक का जो वायर है वो ट्रांसफार्मर में से हट सकता है। तो अभी देखिए ये बैटरी वाला थिम्बल है, इस पर भी मैं सोल्डरिंग कर ले रहा हूँ पहले बारी बारी। ये हम जो है पीसीबी को 24 यहाँ से 12 वोल्ट देंगे, ट्रांसफार्मर में जो बैटरी में जो इनपुट जाएगी 12 वोल्ट की, तो जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव तार होगा वहीं पे हम इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे सोल्डर करके, क्योंकि हमें कार्ड को 12 वोल्ट देनी होती है और कार्ड को नेगेटिव भी देना होता है। तो डायरेक्टली बैटरी का जो 6 mm का या 10 mm का वायर है उसको हम बैटरी से जो कनेक्ट करेंगे पीसीबी में डायरेक्ट, और इसको जो हम जो है पॉजिटिव, यानी कि जो बैटरी का पॉजिटिव वायर आएगा चार्जिंग के लिए बैटरी का, उसमें हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए, हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जल्दी से जो है थिम्बल यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहे हैं जो हीट सिंक में लगाया जाना है। तो यहाँ पे हम जो है अच्छे से जो है सोल्डरिंग कर लेंगे ताकि हमारा जो वायर है वो छूटे ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं थोड़ा अच्छे से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है क्योंकि अगर वायर यहाँ से छूट गया तो फिर जो है वायर हमारा जो है हीट हो गए, गर्म हो गए, यहाँ से जो है जॉइंट हट जाएगा। तो आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है प्रॉपर। तो ये देखिए, अच्छे से सोल्डरिंग करनी है आपको, अगर सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होगी तो हीट होकर हट जाएगा वायर। तो अभी बढ़िया से हमारी सोल्डरिंग हो गई है, और आप इस पर सोल्डरिंग करने के बाद में टेप मार दें, क्योंकि अभी मैंने इसमें टेप नहीं मारी है, लेकिन आपको जो है कोई भी वायर ओपन नहीं छोड़ना है। तो आपको अभी ये 6 mm का वायर है, 6 mm के वायर को हम जो है यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बीचों बीच में, यानी कि जो थिम्बल है, जो हीट सिंक के जो हमने वायर कनेक्ट करे हैं लेफ़्ट राइट, तो ये बीच में। तो होता क्या है फ्रेंड्स, दो वायर लेफ़्ट तरफ होते हैं, दो वायर राइट तरफ होते हैं कॉपर के। तो दो जो कॉइल है उस कॉइल में जो 4 वायर निकलेंगे, तो हम लेफ़्ट और राइट के एक एक वायर को लेके और हम जो है उसको सोल्डरिंग कर देंगे, यानी लेफ़्ट की तरफ से और राइट की तरफ से एक एक, कोई भी एक एक ले लेना है आपको कोई सा भी, और उसको जो है बीच में, ये देखिए जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे, ये देखिए दो लेफ़्ट की तरफ तार होते हैं, दो यहाँ पे टोटल 4 है, 1 2 3 4,
यानी दो आपको सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं और दो ब्लैक, तो आपको जो बीच वाले एक लेफ्ट की तरफ से और एक राइट की तरफ से दोनों को ज्वाइंट करना, यहीं पे हम जो है बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। यहीं पे हम बैटरी की जो है पॉजिटिव यानी 6 mm का या 10 mm का वायर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो कि चार्जिंग के लिए भी होगा और इन्वर्टर को इन्वर्टर के लिए ऑन मतलब वर्क करेगा उसके लिए भी, यहीं से जो चार्जिंग के लिए जो जाएगा वो यही है। तो यहाँ पे आपको जो मोटा वाला वायर है 6 mm का वो कनेक्ट कर देना है, और एक इन्वर्टर में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, तो दूसरा जो 2.5 mm वाला वायर है थिम्बल का वो भी यहीं पे कनेक्ट होगा सोल्डर होके। और यहाँ पे सोल्डरिंग बहुत प्रॉपर से अच्छे से आपको सोल्डरिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी की चार्जिंग के लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा हीट होके आपकी जो सोल्डरिंग है वो हट सकती है, लेकिन हट सकती है, इसलिए आप जो है इसका पूरा प्रॉपर ध्यान रखें कि आपको सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करनी है। तो अभी ये मैंने यहाँ पे जो 6 mm वाला वायर है वो मैंने कनेक्ट कर दिया है, और अभी ये 2.5 mm वाला जो हमें कार्ड को इन्वर्टर की जो PCB है उसको 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, और अब मैं यहाँ पे जो है बढ़िया से टेप लगा दूँगा अच्छे से। तो आपको बढ़िया से जो है टेपिंग कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने टेप लगा दी अच्छे से, आपको डबल करके टेप यहाँ पे मारनी है अच्छे से बढ़िया से, ताकि आपका जो वायर है वो कहीं से मतलब हीट हो गए पे कहीं किसी और वायर में टच ना हो। तो यहाँ पे मैंने अभी जो है इसको टेप कर दिया है, इतना काम हमारा परफेक्ट हो गया है, हीट सिंक के वायर भी लग गए हैं। और चलिए अब हम जो है यहाँ पे आगे जो है जो 10 mm सॉरी ये जो 6 mm वाला वायर है, इस वायर को यहाँ से अभी छीलेंगे, और जो बैटरी की क्लिप है जिसमें हमें बैटरी में क्लिप लगानी है, मैं आपको यहाँ पे क्लिप लगा रहा हूँ, लेकिन आपको जो है नट बोल्ट कसने हैं डायरेक्ट ही, आपको बैटरी से आपकी PCB इन्वर्टर को नहीं कनेक्ट करके रखना है। जब आप घर पे यूज़ करोगे आप बना लोगे तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो है प्लायर से वायर को पहले ऐंठ देना है अच्छे से टाइट कर देना है, और आपको नट बोल्ट लगाने हैं, नहीं जो नट बोल्ट वाले थिम्बल आते हैं मोटे वाले बैटरी वाले, आप वही थिम्बल लगाए। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो है क्लिप लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो आपको समझाना है कि किस तरीके से आपको पूरा जो है इंस्टॉलेशन पूरा सेटअप करना है। अभी ये मैं ब्लैक वाला 6 mm का वायर छील रहा हूँ, इसमें भी मैं क्लिप लगाऊंगा नेगेटिव वाला, जो कि बैटरी के नेगेटिव साइड में हम ये वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम, जैसे ही मैं इसको बढ़िया से पंच कर दूंगा प्लायर से, लूज़ नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल लूज होगा तो यहाँ पे वायर जो है हीट होगा तो आपकी बैटरी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। तो अभी मैंने बढ़िया से यहाँ पे नोज प्लायर से बढ़िया से पंच कर दिया है, और अब यहाँ पे हम जो है सोल्डरिंग करेंगे ताकि यहाँ से कोई लूज ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से प्रॉपर सोल्डरिंग कर दी है, ये देखिए बढ़िया से आपको सोल्डरिंग करनी है प्रॉपर आपको अच्छे से। तो अभी मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है, और अब जो मैं यहाँ पे बढ़िया से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वायर कहीं से लूज रहेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुकी है परफेक्टली, और अब मैं रेड वाले जो क्लिप है इस पे भी मैं सोल्डरिंग कर दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी मैंने सोल्डरिंग कर दी है, और अभी हमारे जो जॉइंट है ये पक्के हो चुके हैं बढ़िया से। तो अभी जॉइंट बढ़िया प्रॉपर परफेक्ट जॉइंट लग गया जैसा कि आप देख पा रहे हो, और अब मैं ये ब्लैक वाले को छील रहा हूँ, जो कि इन्वर्टर की PCB में मुझे यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई के लिए मुझे इसको कनेक्ट करना है, यानी जो बैटरी की जो नेगेटिव है, जो हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे क्लिप को, तो यहाँ पे आपको PCB में नेगेटिव वायर को 6 mm का जो वायर है उसको यहाँ पे आपको सोल्डर करना है। तो मैं यहाँ पे बढ़िया से सोल्डरिंग कर रहा हूँ ताकि छूटे ना जॉइंट। तो
तो ये नेगेटिव साइड है, यहीं पे ही बोल्ट कसा जाता है नेगेटिव वायर का, जो कि बैटरी से आकर यहाँ पे 12 बोल्ट दी जाएगी, जो कि हमने थिम्बल लगाया बैटरी की 12 बोल्ट, और यहाँ पे नेगेटिव जो डायरेक्ट बैटरी से क्लिप आएगी, यहाँ पे मैं इसको सोल्डर कर दे रहा हूँ, यहीं पे ही नेगेटिव हम कनेक्ट करते हैं पीसीबी में। तो आप ध्यान से समझ लें, आप जो भी मार्केट से पीसीबी लाओगे, इसी तरीके से आपको नेगेटिव वायर को या तो सोल्डर कर देना है बढ़िया से प्रॉपर, या एक बोल्ट लेके आना है और नट बोल्ट से आपके वायर को यहाँ पे कस देना है थिम्बल को। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्डर कर दिया है, अगर आप चाहो तो बिना बोल्ट के सोल्डर भी कर सकते हो, पर प्रॉपर सोल्डरिंग करनी है हैवी। चलिए यहाँ पे हमारी जो है नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लिया है हमने। अब इसके बाद में हम जो है आगे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि रेजिस्टेंस है 250 ओम का, ये देखिए आप, और यहाँ पर कैपेसिटर रेजिस्टेंस दोनों आपको सीरीज़ में जोड़ने हैं फ्रेंड्स। ये 250 ओम का रेजिस्टेंस है 10 वाट का, इस तरीके से देखिए ये सीरीज़ में जोड़ना है आपको। पहले रेजिस्टेंस ले लीजिए, रेजिस्टेंस के कोई भी दो सिरे वो सॉरी रेजिस्टेंस का कोई भी एक सिरा ले लीजिए, कैपेसिटर का एक सिरा, उन दोनों को जॉइंट कर देना है, और इस तरीके से जो बचे हुए दो वायर है उनको आपको जो इसकी आउटपुट निकलेगी वहाँ पर एसी में कनेक्ट करने हैं। ये देखिए मैंने पहले ही ऑलरेडी बना रखा है इन दोनों को, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को मैंने सीरीज़ में कनेक्ट करा हुआ है। ये 250 ओम का रेजिस्टेंस है 10 वाट का, और ये जो कैपेसिटर आपको लेना है, कैपेसिटर आपको 0.0475, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका डाल दूंगा कि आपको कौन से नंबर का लेना है। और ये थिम्बल है जो कि हमें पीसीबी में लगाना है इन्वर्टर में, ये किस प्रकार से लगाना है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए ये आउटपुट जा रही है, रेजिस्टेंस आपको ये जो वायर है सॉकेट नेगेटिव पॉजिटिव, ये देख रहे हैं आप ब्लैक कलर का वायर है और एक रेड कलर का, तो यहीं पर रेजिस्टेंस का जो एक सिरा है और जो दूसरा सीरीज में कैपेसिटर का जो वायर है वो आपको इस सॉकेट में कनेक्ट कर देने हैं। और यहाँ पे मैं चार्जिंग के लिए अभी सोल्डर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने नेगेटिव वायर नहीं निकाला हुआ है, मैंने मेंस इन यानी कि इन्वर्टर की पीसीबी को मैन इन करने के लिए तो मैंने वायर निकाल रखा है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं नेगेटिव पे कनेक्ट कर दूँगा ताकि मैं इन्वर्टर को चार्जिंग के लिए वायर निकाल सकूँ नेगेटिव का। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सोल्डर कर दे रहा हूँ। आपको रेजिस्टेंस लेना है, कैपेसिटर लेना है, दोनों को सीरीज़ में जोड़ के जो दो सिरे बचेंगे है ना, जो दो सिरे जुड़ी बचेंगे उनको आपको जो पीसीबी से जो आउटपुट निकलेगी यानी कि जो एक न्यूट्रल और फेस, तो यानी एक वायर न्यूट्रल में जोड़ देना है और एक फेस में जोड़ देना है। अब देखिए ये जो कनेक्टर है ये चार वायर का कनेक्टर है, यहाँ पर आप देखिए न्यूट्रल है, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एसी इन हो रही है और एसी इन और एक न्यूट्रल, और बीच वाला जो है यहाँ पे चार है उसमें आउटपुट निकलेगी। तो ये मैं आपको जो है ना डायग्राम में अच्छे से बता दूंगा। अभी देखिए यहाँ पे चार वायर है, इसमें एक आउटपुट का होता है, एक न्यूट्रल होता है, और दो यहाँ पे मेन इन के होते हैं, एक फ्यूज़ के एक विदाउट फ्यूज़ के लिए। तो ये डायग्राम जो है ना अभी आपको यहाँ पर ऐसे कुछ समझ में नहीं आ पाएगा, आपको बड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं इसका जो है ना पूरा सर्किट बना के आपको किस तरीके से कौन सा कनेक्टर कहाँ कनेक्ट करना है मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने अभी कनेक्टर लगाया है ब्लैक वायर वाइट और रेड, तो यहाँ पे देखिए 125 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, न्यूट्रल है, ये देखिए आप 125 वोल्ट 200 वोल्ट। तो ट्रांसफार्मर में भी आपको कैसे कनेक्ट करने हैं, यही वाले वायर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होंगे। तो देखिए मैंने सारा 125 वोल्ट कहाँ कनेक्ट होगा, 200 वोल्ट और न्यूट्रल, ये सारा मैं जो है पूरा सर्किट बना के आपको भेजूँगा ताकि उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये जो 125 वोल्ट वाला है रेड है, वाइट वाला जो वायर है वो 200 वोल्ट है ना, और यहाँ पे जो ये चॉकलेटी वाला है ये न्यूट्रल है। तो अभी देखिए सबसे पहले जो 200 वोल्ट वाला है उसको आपको देखिए कहाँ कनेक्ट करना है, सबसे पहले ये न्यूट्रल है, और ये वाला जो 125 वोल्ट है ये न्यूट्रल है चॉकलेटी वाला, तो न्यूट्रल को अभी हम जो है ट्रांसफार्मर में कहाँ पे कनेक्ट करना है चलिए मैं आपको सोल्डर करके बताता हूँ। तो देखिए जो है ट्रांसफार्मर में तीन वायर निकले हुए हैं, 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो 200 वोल्टेज और 125 और न्यूट्रल, यानी कि जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो 200 वोल्टेज का है और जो बीच में 125 वोल्ट का है और जो राइट साइड में ये न्यूट्रल है, ये देखिए ये न्यूट्रल है, जो ब्राउन वायर आपको लगाना है देखिए बोर्ड में वहाँ पे देवी रखा है पीसीबी में न्यूट्रल, तो न्यूट्रल आपको इस तरह पर लगाना है, बीच में आपको जो लगाना है ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारा का सारा आपको जो है बीच में जो है आपको चार्जिंग के लिए, ये चार्जिंग के लिए होता है ना, राइट साइड में जो सबसे पहला ब्राउन वाला वायर है वो न्यूट्रल है और ये 200 वोल्ट का है वाइट वाला,
वाइट वाला 200 वोल्ट का है, ये 125 वोल्ट का है रेड वाला, और वो ब्राउन वाला जो है न्यूट्रल है। तो ये कनेक्शन हमारे प्रॉपर हो गए। उसके बाद में चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो है हीट सिंक के वायर को कस लेते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के हमने हीट सिंक के जो दो वायर है लेफ़्ट और राइट, ये देखिए आप ट्रांसफार्मर के ये लेफ़्ट है और राइट, यानी कि ये आप किस तरीके से भी लेफ़्ट राइट को लगा सकते हो, जो हीट सिंक है कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको जिधर मैं राइट को कस रहा हूँ इसको आप लेफ़्ट को कस सकते हो, लेफ़्ट वाले को राइट को, लेकिन आपको देखिए जो राइट वाला है उसे राइट की साइड में ही लगाए। जैसे मैंने पीसीबी का आप देखियो, देखिए आप पीसीबी को मैंने कैसे रखी हुई है, जो न्यूट्रल का जो वायर है इसी तरीके से आपको पीसीबी को रखनी है, और जो लेफ़्ट वाला है वो लेफ़्ट में कस देना है, राइट वाला राइट में कस देना है, बिल्कुल सिंपल है। जो देखिए आप ट्रांसफार्मर में से दो वायर निकल ले लेफ़्ट और राइट, तो राइट वाला राइट वाली हीट सिंक में कस दें आप, और जो लेफ़्ट वाला वायर है उसको आप लेफ़्ट वाली हीट सिंक में कस दें। तो अभी मैंने यहाँ पे कस दिया है प्रॉपर, देखिए लेफ़्ट साइड का राइट साइड का जो हीट सिंक में राइट साइड में कस दिया है मैंने, और लेफ़्ट साइड का जो हीट सिंक है वो लेफ़्ट साइड में कस दिया है। उनको बड़े अच्छे से आपको टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपके मोसफेट उड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए चार वायर होते हैं, मैंने एक वायर इधर से ले लिया है लेफ़्ट तरफ से, दूसरा वायर मैंने राइट तरफ से, और दोनों को जॉइंट कर दिया है। इसी में ही हम बैटरी की पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, है ना, और ये हीट सिंक के हो गए। और चलिए अब जो है यहाँ पे सारे के सारे जो है, अभी मैं ये जो एलईडी इंडिकेशन के लिए जो एलईडी है पैनल, इसको मैं लगा देता हूँ। ये आपको किस तरीके से बनाना है और इसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस यूज़ हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये पहली पिन से आपको कनेक्ट करना है, जो पहली पिन है वो नेगेटिव सप्लाई की होती है, जिस तरीके से मैंने राइट हैंड की तरफ से इसको जैक को लगाया है। और मैंने अभी क्या है कि पिन नंबर 1 और 9 पे मैंने इसको जो है डायरेक्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। मैंने अभी इसके अंदर स्विच नहीं लगाया है ऑन ऑफ़ करने के लिए इन्वर्टर को, मैंने डायरेक्ट ही एक वायर जो है पीसीबी में जो न्यूट्रल है जो ग्राउंड है, ग्राउंड को मैंने सबसे लास्ट वाली से पहले वाली जो पिन है उसमें कस दिया है। मैं ये सर्किट डायग्राम में भेज दूंगा आपको कि आपको इसका जो स्विच है वो कहाँ से यूज़ करना है। और ये सुकेम की 850 VA की पीसीबी है, अगर आपको सेम यही लेनी है। और अभी मैं यहाँ से आप जो है एक बढ़िया सा कवर लेके आप बढ़िया से इसको ट्रांसफार्मर पीसीबी को एक बोर्ड पे कस दें, ताकि ये हिले डुले ना, जिससे कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैंने एक ये जो है लकड़ी का बढ़िया सा जो है प्लाईवुड ले लिया है और इस पर मैंने बढ़िया से इसको फिट कर दिया है। देखिए पूरा इन्वर्टर की तरह वर्क हो गया हमारा इसका। और चाहो तो आप इसे ऊपर से भी कवर कर सकते हो, और हीट सिंक जहाँ पर लगी पड़ी है वहाँ पर आप एक फ़ैन लगा सकते हो, चारों तरफ से इसे लकड़ी में पैक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कैबिनेट महंगी आती है तो आप जो है लकड़ी की कैबिनेट बना के, और जहाँ पे ये हीट सिंक है, जहाँ पे हमने ये लाल वाले तार कस रखे हैं एल्यूमिनियम वाले हीट सिंक में, यहाँ पे आप एक फ़ैन लगा सकते हो, ताकि जो आपके मोसफेट है वो गर्म ना हो ओवरलोड होने पे या ज़्यादा लोड होने पे वो। अभी ये जो है बैटरी का पॉजिटिव, ये हमें जो है कार्ड को 12 वोल्ट की सप्लाई देनी है, क्योंकि जब तक हम कार्ड को सप्लाई नहीं देंगे तो कार्ड हमारा वर्क करना शुरू नहीं करेगा, पीसीबी जो है हमारी ये। तो अभी हमने इसको पॉजिटिव दे दिया है और नेगेटिव हमने यहाँ पे सोल्डर कर दिया। अभी नेगेटिव पॉजिटिव चलिए बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो इन्वर्टर है ये वर्क करता है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे देखिए बैटरी में सबसे पहले पॉजिटिव सिरा लगाने जा रहा हूँ, जो कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और आपको बैटरी के आप इसी का ध्यान रखें कि बैटरी का जो टर्मिनल है नेगेटिव और पॉजिटिव ध्यान रख कर ही लगाएं। अगर आपने उल्टे सीधे लगा दिए तो आपका जो इन्वर्टर जो पीसीबी है उसका फ्यूज उड़ जाएगा। और यहाँ पर आपको नेगेटिव है तो नेगेटिव का, तो देखिए फ्रेंड जैसे ही मैंने बैटरी का तार लगाया यहाँ पे बीप की आवाज़ आई और हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही मैंने इन्वर्टर का जो ऑन का ऑन ऑफ का बटन है उसको डायरेक्ट कर रखा है। और देखिए यहाँ पे इन्वर्टर ऑन की जो एलईडी है वो जल गई है, यानी इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया जैसे हमने बैटरी के तार लगाए। और देखिए फ्रेंड्स अभी मैं इसको मेंस ऑन कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए आप चार्जिंग ऑन हो गई है और देखिए बल्ब पे भी फ़र्क पड़ा है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए जैसे मैं मेन ऑन करूँगा, देखिए यहाँ पे मैं अगर मेन्स को ऑफ़ करूँगा तो देखो चार्जिंग ऑफ हो जाएगी और रिले की आवाज़ भी आएगी, देखिए आप, है ना। और देखिए बल्ब भी, देखिए बल्ब जो है वो बल्ब में भी लाइट का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है कुछ सेकेंड का इन्वर्टर को। अब देखिए जैसे मैं मेन्स ऑन करूँगा फिर बल्ब को आप देखना और देखिए चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखिए ये देखिए फ्रेंड्स फिर रिले की आवाज़ आई।
तो फ्रेंड्स ये इन्वर्टर इतना ज़बरदस्त इतना बेहतरीन है, अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि इसकी वजह से क्या है। और फ्रेंड्स देखिए ये बल्ब मैंने इसी से ही कनेक्ट किया हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से ये जो है कनेक्ट करा हुआ, तो देखिए आप ये मैंने इस तरीके से इस प्लग में लगाया हुआ है फ्रेंड्स, है ना, ये देखिए आप ये मैंने पूरा प्लग बनाया हुआ है। मैंने आपको बताया था पूरी ये केबल है, इस केबल को आपको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, ये पूरा मैं आपको समझा दूंगा। और देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने सेटअप करा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे पूरे जो वायर है किस तरीके से कनेक्ट करने हैं वो देखिए। और आप जो ये ट्रांसफार्मर है इसमें से आवाज़ आ रही है, जब बैटरी पर ये चलता है चार्जिंग पर तो देखिए ये आवाज़ भी कर रहा है इस टाइम, अगर आप महसूस कर सको तो। तो फ्रेंड्स ये पूरा जेन्युइन है और आप फुल लोड के साथ भी टेस्ट कर सकते हो। मैंने भी आपको 100 वाट का बल्ब जला के दिखाया है, आप मेरा विश्वास यकीन कीजिए आप फुल लोड 3 फैन आप आराम से बड़े आराम से इसमें आप चला पाओगे फ्रेंड्स। तो इसमें आपसे कुछ भी छुपाया नहीं गया है, यहाँ पे जो भी आप खुद देख सकते हो कि यार एक हैवी ड्यूटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पूरा एक सर्किट लगा हुआ है, तो यहाँ पे फेक क्या हो सकता है यार, फेक तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए आपके सामने चार्जिंग ऑन है, चार्जिंग की लाइट ब्लिंक कर रही है जैसे इन्वर्टर में करती है। ये आपकी जो है इन्वर्टर की LED है सबसे पहले वाली, ये मेंस ऑन की है, ये चार्जिंग की है, उसके बाद में ये लो बैटरी और ये ओवरलोड की है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा और यहाँ पर मैंने जो स्विच है ये देखिए, यहाँ पर एक कनेक्टर है, यहाँ पे मैंने जो एक कनेक्टर है आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे देखिए, ये जो कनेक्टर है यहाँ पे मैंने स्विच को भी डायरेक्ट कर दिया, इसलिए इन्वर्टर डायरेक्ट जैसे ही मैं बैटरी के तार लगा रहा हूँ इन्वर्टर चालू हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्विच के कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं इस सर्किट में ही आपको बता दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको पिन नंबर पहली पिन जो है उल्टे हाथ से, यानी कि जो ये वाली पिन है जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड को आपको ग्राउंड वाली पिन को आपको लास्ट से पहले वाली पिन पे कनेक्ट कर देना, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए अभी जैसे मैं बैटरी के तो बहुत ही हैवी ड्यूटी है, 800 VA या 750 VA का जो आपको ट्रांसफार्मर मिले, 600 VA का अगर आपको एक दो पंखे चलाने तो आप 600 VA के भी यूज़ कर सकते हो ट्रांसफार्मर। तो ये मार्केट से आपको जो है कॉपर में भी मिल जाता है, एल्यूमिनियम में मिल जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपर में लें। कॉपर में जो ट्रांसफार्मर होता है वो जल्दी से हीट नहीं होता है और ज़्यादा चलेगा, लॉन्ग लाइफ है ना। और ये जो बोर्ड है ये बोर्ड आपको साइन वेव नहीं है, स्क्वायर वेव है, और स्क्वायर वेव लेना है आपको, ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास, क्योंकि पहले स्क्वायर वेव ही इन्वर्टर चलते थे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको कुछ भी अगर इस इन्वर्टर को बनाने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, इतनी मेहनत से देखिए मैं आपके लिए, इतने हार्ड वर्क से मैंने आपके लिए एक हैवी ड्यूटी एक अच्छा खासा इन्वर्टर बना के दिया है, वो भी 800 VA का, जिसमें आप 3 पंखे 1 TV और 3 CFL आराम से बड़े प्यार से चला सकते हो 3.5-4 घंटे। तो ये बिल्कुल इसमें कुछ आपसे छुपाया नहीं गया फ्रेंड्स, सारा का सारा जो सर्किट है मैंने खुद से रेडी करा है, और बिल्कुल आपको जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर जो बताई है वो डिटो सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल जेन्युइन है, ये देखिए आप यहाँ पे जो जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी, जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पे जो चार्जिंग का इंडिकेशन दिखा रहा है, ये देखिए LED, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से डिज़ाइन की हुई है ना। तो आप मुझसे सारे के सारे जो है मैं इनका डायग्राम पूरा डाल दूंगा, आपको कनेक्शन कैसा करना है अभी किस तरीके से, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।